prevention is better than cure. So, and secondly, I'll speak your role, because you are ulamas, you are respected persons of the society. If you say something, anyone will at least listen to you, and if Allah wills, it will affect his heart and he will change. So you can play a vital role in preventing the use and abuse of drug and addiction of drugs. So that's the basic purpose of my coming here. Because if I speak to say 50 students of college, any college, medical college, engineering college or graduation arts science college, only 50 students will take my message and they will go back. But you are the mass leaders. You lead the people, you speak with many people. So if you get the message properly, you understand the message, you can spread this message to many more people. So it will be multiplied. So that's the second purpose because of which I have accepted this invitation and I have come here. So with brief introduction, I think I will come to the topic. So the topic is drug abuse, treatment and prevention. So first of all, इट मीन्स इस टॉलरेंस इज मोर. सो एडिक्टिव सब्सटेंसेस में होता यह है
इस टॉलरेंस फॉर द सब्सटेंस इंक्रीजेस। आप जो है समझो आपके खुराक है, कोई साहब है तो दो रोटी खाते हैं, कोई तीन खाता है, कोई चार खाता है, डिपेंड। लेकिन वो जो खुराक रहती है एक बड़े हो जाने के बाद से आफ्टर एज ऑफ 20 इयर्स योर फिजिक बिकम स्टेबल, तो दिस रिमेंस स्टेबल। ऐसा नहीं होता कि आज अगर आप दो रोटी खा रहे तो आठ दिन के बाद आप चार खाना शुरू कर देते हो, 15 दिन के बाद आप आठ रोटी खा रहे, इट नेवर हैपेंस। बट इन एडिक्टिंग सब्सटेंसेस द टॉलरेंस इंक्रीजेस। सपोज इफ ही इज टेकिंग से एक जो बॉटल आती है दारू की, इट इज 180 ml, देशी दारू जो जो मिलती है 180 ml, तो समझो अगर वो जब शुरू करता है तो एक बाल्टी पी लेता हो, एक बाल्टी मस्त हो जाता। लेकिन जैसे जैसे वो पीने की उसकी आदत बढ़ती जाती है, देन स्टार्ट्स टेकिंग मोर, से 2 bottles, 3 bottles, 4 bottles, सो वी से दिस पर्सन हिज टॉलरेंस इज इंक्रीजिंग। सो दैट द थिंग। सेकेंडली so I have said tolerance, then withdrawal means if he doesn't take, he starts having problems, then he starts uski jo activities hai, every activity around it, that around the surrounds that substance itself, chahe agar wo cigarette peene wala hai, sabhi agar wo baat kar raha aur 2 ghante guzar gaye usko beche nahi to bole excuse me main zara ja ke, it's like this, so it happens, to jayega kone kaane mein jaake chaar se thook marega fir wapas aayega। यार अगर वो गुटखा खाने की आदत है तो अपना चार लोगों में बात भी चल रही है, 2-3 घंटे गुजर गए तो जाएगा अपना पूरी फाड़ा के अपना मुंह में डाला चाय अपना कैसा भी गुटखा के फिर वापस आएगा। तो ये इसको बोलेंगे कि हिज एक्टिविटीज, उसकी जो पूरी जिंदगी है वो आजू बाजू उसके घूमते रहे, एंड उसकी वजह से उसके काम पे फर्क पड़ता है। इट इज इट अफेक्ट्स हिज हेल्थ, इट अफेक्ट्स हिज एक्टिविटीज, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज हो या उसके ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज हो या रिक्रिएशनल हो, तफरी हो या फैमिली लाइफ हो, एवरीथिंग इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट। तो चाहे वो शराब हो, चाहे सिगरेट हो, गुटखा हो, चरस, गांजा, भांग, अफीम, ये सब, फिर उसके बाद इसके फिजिकल इफेक्ट्स भी दिख के आने लगते हैं, एंड ही रियलाइजेस कि भाई आई एम हैविंग दिस अल्सर, या समझो एसिडिटी हो जाती है कुछ लोगों को जो तंबाकू बहुत ज्यादा खाते रहते हैं या जो सिगरेट बहुत ज्यादा पीते रहते हैं, उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगता है, एसिडिटी हो जाती है। डॉक्टर बोलता है कि देखिए भाई अगर आप चाहते हैं कि आपके सब ठीक ठाक रहे, आपकी खांसी ठीक हो जाए, तो प्लीज आप सिगरेट बंद कर दीजिए। बट इन स्पाइट ऑफ द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर ही डजंट गिव अप, ये नहीं कि भाई उसको अल्सर हो गया शराब पी पी कर 5 साल से। डॉक्टर बोलता है कि भाई ये दारू पीने से आपको अल्सर हो गया, एंड दारू बंद के लिए शिवाय दोस्त होना है, विदाउट स्टॉपिंग अल्कोहल यू वॉन्ट बी ऑलराइट। लेकिन इसके बावजूद वो जो है बंद नहीं करता है। तो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडिक्ट पर्सन। तो ये जो है तो डेफिनेटली मैंने जैसा कैरेक्टरिस्टिक बताया कि ये सब्सटेंसेस क्रिएट टॉलरेंस, मतलब उनकी जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड लगती है इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। पहले होता है जो आम जो लोग होंगे अगर जिनसे आप जानते हैं वो बोलेंगे अरे यार पहले एक बाल्टी में तो बहुत अच्छा लगता था, अब 4 बाल्टी भी पी लेते तो कुछ नहीं होता। ये है कि पहले एक लड़का जो सिगरेट पीना शुरू करता है दिन भर में एक, जब पहले सिगरेट पीता तो पहला पंप मार से उसको खांसी आ जाती, ही कांट टॉलरेट, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको अच्छा लगने लगता है। फिर उसके बाद पहले वो दिन भर में एक या दो सिगरेट पीता है, भाई खाना खाया बाद थोड़ा लगता है कि सिगरेट पी लेते, फिर बाद में उसको 4 होते 8 होते 10 होते, फिर गोज ऑन इंक्रीज। तो ये ड्रग डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग ड्रग्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक। अब कौन कौन से ड्रग्स है ऐसे, सबसे पहले कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनके नाम मैं बोलूंगा तो बहुत आसान है, जो आप जमाने में आप लोग हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आमतौर पे हमको दिखाई नहीं देते लेकिन है ऐसे, जैसे एम्फेटामिन्स है कुछ, फिर कोकेन है। कोकेन का नाम तो अक्सर आप अखबारों में पढ़ते रहते होंगे, तो इतने करोड़ की पोते पड़ गए और उतने करोड़ की पड़ गए और ये है वो है, या आप इंग्लिश मैगजीन पढ़ते रहे तो उसमें अभी थोड़े दिनों पहले इंडिया टुडे में बताया था कि जो हाई सोसाइटीज है उनके जो रेव पार्टीज होते हैं उनमें जो है तो कोकेन के पाउडर की स्लाइड बना के सूंघते हैं उसको, तो कोकेन। फिर जो बारबिट्यूरेट्स है, बारबिट्यूरेट्स मतलब जो दवाएं हैं जो एपिलेप्सी जो फिट्स है बिरकी है उसके इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जो लोग हैं एडिक्ट्स वो उसको अपने नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर कैनाबिस है दवा, कैनाबिस का जो है वो अलग अलग शक्लों में होती है, जैसे भांग है, जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं मैं समझता हूँ उनको बहुत अच्छे से पता होगा,
वहाँ पे जो शिव जी का प्रसाद बोलते हैं जो दिया जाता है तो और दूसरा फन जो है मिलाकर कोई चीज में किया जाता है और गांजा है, गांजा जो है सिगरेट में भर के जैसे तंबाकू भरा हुआ रहता है वैसा सिगरेट के अंदर गांजा भरकर पिया जाता है। गांजा है, भंग है, चरस है, ये जो है कैनाबिस की अलग अलग शक्लें हैं डिपेंडिंग ऑन द प्योरिटी। चरस जो है सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म में होती है, उस वजह से उसकी कीमत भी ज्यादा बहुत ज्यादा है। ये भी जो है ब्राउन शुगर बेसिकली या हीरोइन जो है ये ओपियम है। अफीम का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, तो ओपियम इज अफीम जो है वो रॉ है, मतलब जैसे पत्तों पे तोड़ के और उसको जो है तो सुखा के और उसके जो गोलियां बनाते। प्रीवियसली इट वाज यूज्ड बाय मदर्स टू मेक द चिल्ड्रन स्लीप, बच्चे को जब जमा जाती थी खेत में काम करने को तो बच्चे की जो है अफीम की गोली थोड़ी सी चटा के चले जाती थी, बच्चा जो है 4-6 घंटे में सोता रहता, बचपन से उसको जो है एडिक्ट बनाते रहते थे। तो इस वजह से लेकिन जो ब्राउन शुगर है या हीरोइन है इट्स द मतलब उसका जो हीरो जो ओपियम होता है रॉ उसको केमिकल प्रोसेसेस करके उसका जो है हीरोइन बना जाता है। इट्स वेरी ड्रग मतलब डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग। देन एलएसडी नाम का एक ड्रग है। देन अल्कोहल ये शराब, शराब तो आपको पता ही है, शराब जो है अलग अलग नामों से बिकती है, हर एरिया की अलग है। जो लोग आंध्रा के हैं उनको पता होगा ताड़ी माड़ी के नाम से वहाँ पे जो है दी जाती है। और उसके अलावा तंबाकू अलग अलग शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है, कुछ लोग जो है तंबाकू और चूना मिक्स कर जो है उसको घस कर खाते हैं। खैनी जो बिहार से लोग आए हैं लालू प्रसाद यादव को तो पता ही होगा, यहाँ पे वैसे महाराष्ट्र में कुछ पीछे नहीं है उस मामले में। आप जो है कोई भी बिल्डिंग में गए तो उसके जो कलर है दीवार का कोने का देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये लोग जो है कितना अच्छा फाइन आर्ट करते रहते हैं उस पर आते जाते हैं और कैसे पेंटिंग्स होते रहते हैं। तो लोग उंगलियों से हाथों से ब्रश से पेंटिंग करते हैं लेकिन ये लोग अपने मुँह से पेंटिंग्स करते हैं। तो ये सब तम्बाकू के अलग अलग इस्तेमाल की अलग शक्लें हैं। तम्बाकू जो है सिगरेट में, बीड़ी में, होफे में, चुट्टे में भर के किया जाता है वैसे और खाया जाता है। तो दो शक्ल देन वोलाटाइल सॉल्वेंट्स, वोलाटाइल सॉल्वेंट्स बोले तो आपका अंदाजा होगा जैसा पेट्रोल है, केरोसिन है या पेंट करने के लिए वार्निश वगैरह कुछ यूज होता है। बेसिकली ये जो है कुछ लोग इसके भी आदि होते हैं, बहुत से लोग जो है उसको कपड़े को पेट्रोल में भिगा कर जैसे सूंघते हैं उससे उनको नशा आता है किक पैक, तो ये अलग है। फिर कैफीन है, कैफीन जो है मशरूब मुख्तलिफ मशरूबात में होता है जैसे चॉकलेट्स में होता है या चाय में है या कॉफी में है, इनमें भी जो है ये कैफीन ये होने के बाद एक मैं 35-40 मिनट का प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता था या ओबेसिटी कम करने के लिए, भूख कम करने के लिए यूज होते थे, लेकिन बाद में ये पता चला कि लोग दूसरा यूज करना शुरू कर दे रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस यूज ऑफ एम्फेटामिन हैज बीन स्टॉप्ड, एट लीस्ट इन इंडिया इट इज स्टॉप्ड। देन सेकेंडली कोकेन, बेसिकली कोकेन जो है इट्स ग्रोन इन लैटिन अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है उसमें कोकेन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इनिशियली इट वॉज यूज फॉर एनेस्थेशिया, लोकल एनेस्थेशिया, सपोज अगर किसी को यहाँ पर एक वुंड हो गया पड़ा है और उसको सीना है टाका मारना, तो यू नीड लोकल एनेस्थेशिया, यू अप्लाई सम सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ दैट दैट एरिया बिकम्स इनसेंसिटिव एंड देन यू कैन सी द वुंड, उसको लोकल एनेस्थेशिया बोलते हैं। कोकेन वाज बेसिकली इन्वेंटेड फॉर एज अ लोकल एनेस्थेटिक, उससे ये होता था कि उसको उतना एरिया सून करते थे और उसको कुछ ऑपरेशन या प्रोसीजर करना है सुपरफिशियल नॉट डीप तो उसके लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में जो है ऐसे ऐसे लोगों ने दूसरा इस्तेमाल उसके सीख लिए। एंड बेसिकली ये जो है इसका एक पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है और उसका होता ये कि दे मेक कोकेन लाइंस, ऐसे लाइन बनाई जाती है उसकी और फिर वो जो नीचे ऐसे जाता है और ऐसे नाक बंद करके सूंघते उसको तो अंदर तक जाते एंड देन इट इज एब्जॉर्ब, नाक के जो मेम्ब्रेन होता है
through this, it's absorbed and then it affects the central nervous system. So it stimulates. So say excitement milta pehle pehle. And after that, person becomes dazed. Matlab wo jo hai, nasha aa jata hai. So basically for us, excitement it was used. Then barbiturates jo hai, जैसा कि मैं बताया कि दे आर यूज फॉर ट्रीटिंग एपिलेप्सी, लेकिन उससे नींद आती है, सिडेटिव इफेक्ट है उसका, उस वजह से लोगों ने जो है उसको नींद के लिए इस्तेमाल करना शुरू करा. एंड देन आप लोग बगैर कोई गोलियों के भी तो नींद तो नहीं आ रही ना. ये जो है समटाइम्स द स्पीच कैन ऑल्सो बिकम सिडेटिव, बट आई ट्राई टू मेक इट एज एक्साइटिंग एज पॉसिबल. देन जैसा मैंने आपको बताया है ये कैनबिस जो अलग अलग शक्लों में होती है, गांजा, भांग, चरस, हशीश एंड ऑल दिस थिंग्स. बेसिकली ये जो भांग है, ये चरस है, उसमें होता ये है कि वो लेने के बाद आदमी को जो है इट हैज गॉट हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज. मतलब ये है कि पेशेंट गोज इन अ ड्रीम स्टेट. आपने भंगियों मतलब भंग खाने वालों के, चर्सियों के, गंजेटियों के बहुत से किस्से और कहानियां पढ़े होंगे किताबों में कि भाई एक चर्सी था और वो चर्सी बोल रहा कि मैं कुतुब मीनार बेच दूंगा, तो दूसरा चर्सी बोल रहा नहीं नहीं मैं नहीं बेचने वाला हूँ. तो ऑल दिस थिंग्स. सो जो इसमें यह है कि भाई वो कुतुब मीनार ढके रहे, तो ये आप अगर कोई पुराने आज शायद वो किताबें नहीं हो, हम लोग जब छोटे थे तो जब उसमें चर्सियों के बहुत लतीफे आते थे उस जमाने, हो सकता है जब ज्यादा लोग इस्तेमाल करते थे होंगे और ज्यादा उनके लतीफे बनते थे. तो बहरहाल ये है कि ये लोग जो है अपनी जो रियलिटी है, दे लूज द टच फ्रॉम द रियलिटी एंड देन दे गो ऑन इन देयर ओन वर्ल्ड. तो फैंटेसी की वर्ल्ड में जाते थे और दे यूज टू डू ऑल दिस थिंग्स, दे थॉट इज रियल. सो लाइक दिस. और दूसरा है कि गांजे का या भंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इट क्रिएट्स ए मोटिवेशन, ए मोटिवेशनल सिंड्रोम. मोटिवेशन का मतलब है कुछ करने की चाहत, तहरीक. इंसान जिंदा है और तरक्की कर रहा है, उसकी वजह भी ये है कि वी हैव सम मोटिवेशन. आप ये चाहते हैं कि भाई आप ये कोर्स कंप्लीट करें और यहाँ का जो डिग्री है, सर्टिफिकेट है, वो हासिल करें और यहाँ से आपने जो इल्म और स्किल जो आपने हासिल किए, यू वॉन्ट टू यूज इट इन योर लाइफ, दैट्स द मोटिवेशन. लेकिन जो ये गांजा भंग और अफीम का जो ये गांजा का और भंग का जो लोग बहुत ज्यादा यूज करते रहते हैं कंटिन्यूसली, दे डेवलप ए मोटिवेशनल सिंड्रोम. मींस दे हैव नो एम्बिशन इन लाइफ. वो लोग कुछ करने नहीं चाहते. वो कामचोरों के भी कहानियां और किस्से और लतीफे हम लोगों ने बहुत से सुने कि कैसे जो लोग है कि भाई एक था कि दो गजेटी जो है एक बेर के झाड़ के नीचे सो रहे थे, तो वो बोल के कि भाई बेर गिरेगा मुंह में और खा लेंगे. उनको इतना भी नहीं था कि भाई पत्थर मारो और बेर गिरा और खाओ, क्यों करना है काम, खुद ही देखा है. तो बेर गिर जाता नीचे बाजू एक के, तो दूसरे को बोलता है यार उठा के मेरे मुंह में डाल दे. अरे वो बोलता है कि कुत्ता इतनी देर से पेशाब कर रहा, मैं उसको आकारना नहीं, तू मेरे को बोल रहा बेर डाल. इट्स लाइक दिस. तो ये तक लतीफा है. बहरहाल ये है कि ये लोग जो है इतने सुस्त काहिल कभी कुंद हो जाते हैं कि वो लोग जो है दुनिया के लिए कुछ नहीं कर पाते. सो दैट्स द इफेक्ट ऑफ कैनबिस. वेरी ओल्ड टाइम्स इट्स बीन यूज्ड. आपने पूरे उसमें भी पढ़ा होगा कि बहुत से जो भाषा थे वो भी क्या इस्तेमाल करते हैं. बाबा के बारे में बताया जाता है, हिमालय के बारे में बाबा ने तो बाद में वो जन्म के बाद तौबा कर गया था उसको लेकिन बहरहाल ये. और सबसे खास बात यह है कि जो अंग्रेज है ये लोग तिजारत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. आपको पता होगा कि जो एंग्लो चाइना वार्स हुए, दो अंग्रेजों के और चीनियों की जो जंग हुई 19वीं सदी में 1839 से 1843 और 1850 से 1860, तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि नहीं. ठीक है, बेसिकली मसला ये था कि ये जो अंग्रेज थे हिंदुस्तान में जो अफीम पैदा होती थी उसको ले जाकर वो चीन में बेचते थे और चीनियों को ये महसूस होने लगा था कि ये जो है ये तो बहुत खराब चीज़ है और इसकी वजह से हमारे जो नौजवान है ये बर्बाद हो जा रहे हैं.
तो उन्होंने अंग्रेजों को रोकने की कोशिश करी वो बेचने से, लेकिन अंग्रेज इतने बदमाश थे कि वो चाहते थे कि नहीं हम तो ये बेचेंगे। तो उस वजह से दो जंगे हुई, चीनियों और अंग्रेजों ने, दीज आर कॉल्ड ओपियम वार्स। तो बेसिकली मतलब इससे ये समझ में आती है इस फॉर्म की मकारी कि वो लोग जो है एक दूसरी फॉर्म को पैसा जमा करने के लिए, अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए वो लोग जो है दूसरों को अपनी नशे का भी आदि बनाने के इसलिए पीछे नहीं हो। आज जो है अफसोस की बात यह है कि आज जो आप जो ओपियम की कास्ट है उसमें सबसे आगे जो है अफगानिस्तान, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है इसलिए और नहीं होना, लेकिन जब तालिबान की हुकूमत थी तो उस वक्त ये फैक्ट है, इट्स नॉट क्या बोलिए वो नहीं है ये उस वक्त जो है बिल्कुल कास्ट पर उन्होंने खात्मा कर दिया था, लेकिन उससे पहले और आज वहाँ पर जो है फिर से प्रोडक्शन शुरू हो गया है ओपियम का, क्योंकि वो जो इलाका है तो उसकी जो आबो हवा है वापी के लिए काफ़ी मौसम। तो बर्मा और अफगानिस्तान और नीचे जो कंबोडिया लाओस ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पर अफीम के और हिंदुस्तान में अफीम की पैदावार काफ़ी होती है जिससे यूज बेसिकली जो ब्राउन शुगर है वो और ये हिंदुस्तान के जो बड़े शहर है जैसे बम्बई है, मुंबई या कलकत्ता है या मद्रास है या दिल्ली है, बड़े बड़े शहर, इन शहरों में या नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर से जो मौलाना दर्शन लाए हैं तो वहाँ पर है ये प्रॉब्लम। इट्स वेरी कॉमन ओवर देयर कि मणिपुर द प्रॉब्लम ऑफ ब्राउन शुगर इज वेरी कॉमन बिकॉज इट्स बॉर्डर इज बर्मा है ब्राउन शुगर इज टेकन in many forms. First, one form is that it, the person takes an aluminium foil. Cigarette का जो होता है aluminium foil, वो foil लेते हैं, then they put powder of brown sugar on that, and then they burn it from the bottom. उसके जो vapors होते हैं वो उसको सूंघते हैं और उससे उनको कीट आती है। दूसरी एक शक्ल रहती है कि वो जो powder रहता है उसका वो injection बनाते हैं और injection intravenous देते हैं। These are the forms in which they take it. So, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि एक ही इंजेक्शन से कई कई लोग जो है they inject themselves with the same needle. So, if one person is suffering from some disease like hepatitis या AIDS, then it may be transmitted to the other person also. So, because of this problem, brown sugar, they are not only becoming addicts, but because of this, other diseases are also being transmitted like AIDS and hepatitis. ऐसा लगता है कि सात आसमान पर पहुंच गया बिल्कुल एकदम। And then after that, if you sleep, person becomes sleepy. और थोड़ी देर के बाद, चार छह घंटे के बाद, वापस ही becomes anxious. और उसको लगता है कि फिर से वो इंजेक्शन हो। तो बेसिकली समझो कोई आदमी सिगरेट पी रहा है तो चार साल पाँच साल दस साल के बाद भी अगर वो इरादा करता है टू स्टॉप स्मोकिंग ही कैन स्टॉप, लेकिन ब्राउन शुगर का एडिक्ट जो है इफ ही टेक्स इवन वंस देन देयर आर चांसेस दैट ही मे बिकम एडिक्टेड, इफ ही टेक्स ट्वाइस देन देयर इज 100% चांस दैट ही विल बिकम एडिक्टेड। तो हेरोइन इज द मोस्ट एडिक्टिव, ब्राउन शुगर इज द मोस्ट एडिक्टिंग सब्स्टेंस। देन सेकंड but unfortunately Muslims are also having this problem. It's very common in Muslims. Like alcohol is not a very big problem in Muslims, but this brown sugar is really a big problem. Then LSD naam ki dawa hai. Basically LSD jo hai wo bhi ek it's synthesized, it's chemical. LSD ka ye hota hai ki it's called designer drug. जब कोई आदमी एलएसडी लेता है
तो उसके बाद इट अफेक्ट्स हिज सेंसेशन, उसको लगता है कि कोई दूर से बैठा है तो वो जो वो समझ रहा है वो भी उसको सुनने आने लगता है। ही हियर्स द कलर एंड ही सीज द वॉइस, ऐसा बोलते हैं। तो उनके जो सेंसेशन से पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको हर चीज बहुत अच्छी लगने लगती है। समझो ये अगर नीला कलर है तो उसको डार्क ब्लू कलर दिखाई देता है, किसी का अगर ब्लैक स्किन है तो इट अपीयर्स वेरी ब्लैक, ब्राइट ब्लैक। इफ इट्स व्हाइट स्किन तो उसको लगता है कि ये बहुत ही पोर है। हर चीज का इंटेंसिफिकेशन होता है, हर चीज उसको जो है बहुत ज्यादा इंटेंस दिखाई देने लगती है। सो इट्स लाइक दिस। सेकेंडली एलएसडी इज नॉट वेरी कॉमनली अवेलेबल, जैसा भांग है, चरस है, गांजा है, तो इजीली अवेलेबल है। एलएसडी इज नॉट इजीली अवेलेबल, दैट्स व्हाई एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इसकी ये जो प्रॉब्लम है कि अर्बन सिटीज में जैसा बम्बई है, दिल्ली है, वहीं पर ज्यादा है और इट्स इन द रिच पीपल। लेकिन जो ब्राउन शुगर है, दो इट्स एक्सपेंसिव, इट्स ऑल्सो कॉमन इन पुअर पर्सन। देन अल्कोहल, शराब। बेसिकली अल्कोहल वर्ड, इट्स एन अरेबिक वर्ड। एवरीथिंग विच बिगिंस विद अल इज अरेबिक, जैसे अलजबरा है, अल्केमी है, या सो अल्कोहल है, अल्कली है, ऑल दीज आर अरेबिक वर्ड। सो इफ यू गो थ्रू साइंस मेनी टाइम्स यू कम विद कम टू द वर्ड्स विच स्टार्ट विद एल। सो एवरीथिंग दैट स्टार्ट्स विद एल इज अरेबिक। सो अल्कोहल, अल्कोहल इज द अरेबिक वर्ड। अल्कोहल जो है, एंड बेसिकली इट वॉज फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट बाय अरबियन अरब्स अबुल हासिम नाम का एक अरब है, उसने जो है इसको प्योर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जो शराब है इट्स ऑल्सो बिग प्रॉब्लम। और आप जो है तारीफ उठा के देखिए तो तारीफ में आपको जो है शराब के तस्करे हर दौर में आपको दिखाई देंगे। और हमारे पास तो जो है इसको सोमरस और इस नाम से जो है आप मिथोलॉजी पढ़ेंगे अपनी हिंदी उसमें जो है उसका काफ़ी इस्तेमाल करेगा। और आप इस्लामी तारीख का भी मुताला करेंगे तो आपको पता होगा कि मदीना में जो लोग थे इस शराब की हुकूमत से पहले, कैसे वो शराब पीकर नमाज जब पढ़ने लगते थे तो किरात में बदलियाँ करते थे और लड़ने लगते थे शराब पीकर। उस वजह से जो आयतें उतरी कुरान में शराब की हुरमत के बारे में, और मैं समझता हूँ कि वो रेफरेंस देने की मुझे आप लोगों के सामने तो ज़रूरत नहीं है। तो और उन आयतों के बाद जो है मदीना में जब शराब के घड़े फोड़े गए तो मदीना में शराब इतनी बहने लगी कि ऐसा लगा जैसे नदी शराब की बहने लगी, नदियाँ पूरी गलियाँ भर गई शराब। तो इतने जो है लोग शराब पीते थे, लेकिन एक हुक्म आने के बाद हुरमत से, और वो जो इफेक्ट है वो सदियों में गुजरने के बाद भी आज जो हमारे ईमान की कुव्वत है वो उतनी नहीं बात रही जितनी उस जमाने के असहाब की थी। लेकिन उसके बावजूद आज भी मुसलमानों में कम जो शराब पीने का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। एंड इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड दिस प्रॉब्लम इज वेरी लेस मुस्लिम्स स्पेशली इन द कंट्रीज वेयर द इस्लामिक लॉज आर स्ट्रिक्टली फॉलोज। एंड इवन इन द कंट्रीज वेयर इस्लामिक दो द पीपल आर मुस्लिम्स बट द इस्लामिक लॉज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड वेरी फोर्सिबली, देन ऑल्सो द अल्कोहल कंजम्पशन इज वेरी लेस। लाइक इन इंडिया इफ यू सी द अल्कोहल कंजम्पशन इन मुस्लिम्स इज इन द पीपल हु आर इलिटरेट और पुअर। सपोज अगर आप डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस से सर्वे करेंगे तो अगर समझिए 100 डॉक्टर्स है उसमें 90 नॉन मुस्लिम्स है और 10 मुस्लिम्स है, 90 में से 80 नॉन मुस्लिम डॉक्टर शराब पियेंगे, 10 नहीं पियेंगे। लेकिन अगर 10 मुस्लिम डॉक्टर है तो 10 में से 10 या हो सकता है कोई एक आध डॉक्टर शराब पीता हो, वो भी अगर दूसरे डॉक्टर मुस्लिम डॉक्टर देख लें उसको ये पी रहा है तो वो भी शर्मा के कोने खाने में चले जाते हैं, इनको पता नहीं है मुझे। सो दैट इज द सिचुएशन और ये फैक्ट है। तो जो बड़े लिखे लोग हैं कम से कम उनमें बड़ी हद तक शराब से लोग बचे हुए हैं। बेसिकली जो शराब है लोग
जब शराब कोई फर्द पीता है तो अल्कोहल इज इंजेस्टेड एंड देन इट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन। एक इंसान और हैवान में क्या फर्क, क्या बताएंगे? बराबर, माइंड ब्रेन। तो इंसान में और जानवर में जो फर्क है हैवान में, वो यही है कि अल्लाह ने हमें अक्ल दी है जिससे हम सही गलत अच्छा बुरा इसकी तमीज करते हैं, जजमेंट है, हम फैसला करने की कुव्वत है। लेकिन जब कोई फर्क शराब पीता है देन ही लूजेस हिज अक्ल, उसकी जो अक्ल होती है हिज जजमेंट, क्या सही है क्या गलत है क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस पर जो है सबसे पहले इसका असर होता है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि जो फर्द शराब पीता है उसको अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी, दूसरे के भाई बहन, उनका जो अदब लिहाज है वो जो है खत्म हो जाता है। दूसरा, और वो जो है ऐसी हरकतें करने लगता है जो शायद जिंदगी में कभी वो बगैर शराब पिए के नहीं करता। यू मस्ट हैव कम थ्रू मेनी इंस्टेंसेस। जैसे आपको पता होगा कि आज से कई साल पहले हमारे महाराष्ट्र स्टेट के नायब वजीर आला थे अधिक, उन्होंने शराब पीकर जो है यहाँ पर एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी की थी, और जर्मनी में जाकर तो उन्होंने जो है झाड़ू देने वाले के साथ बदतमीजी कर दी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि ही लॉस्ट हिज डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप। तो मतलब ये है कि एक आदमी जो अच्छा खासा एक जिम्मेदार पोस्ट पर होता है वो जो है शराब पीने के बाद उसकी अक्ल माफ हो जाती है, देन ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शंस। बहुत से जो जरायम है वो शराब के नशे में ही होते हैं। शराब पीने के बाद आदमी जो है जो घर में जो हालत होती है उसकी वजह से न सिर्फ उसकी खुद की बल्कि उसके अहले खानदान की भी जो है प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, उस पर असर। और शराब जो है जो हराम है उसकी प्रिंसिपल ये है कि जो असल है उसको माफ कर देती है शराब, इसीलिए शराब इस्लाम में हराम के लिए शराब खुम्र है और हर खुम्र हराम। तो ये दूसरा है कि जब कोई फर्द शराब पीता है उसके जो बॉडी है उस पर जो कंट्रोल होना चाहिए, जैसे मैं जब चाहता हूँ कदम रखूँ आगे तो मैं कदम बढ़ाता हूँ, जब मैं बैठना चाहता हूँ तो मैं बैठता हूँ, या मैं स्टीडी चलता हूँ, मैं जब चलता हूँ तो गिरता हूँ नहीं अगर नॉर्मल है। लेकिन कोई आदमी जब शराब पीता है तो आप देखेंगे कि उसकी चाल चलन हर चीज में जो है उसको फर्क आ जाता है, गिरता है, बढ़ता है, नीचे गिरता है। बहुत से जो लोग हैं वो तो कई बार आपको गटर में पड़े हुए मिलेंगे और उनको ये पता भी नहीं रहता है कि वो कहाँ है, वो समझते हैं कि वो घर में कोई गद्दे पे सो रहे हैं, और अगर उनका पेशाब कर रहा है उनके तो उनको लगता है कि उनकी बीवी उनको पानी पिला रही है। तो ये हालत जो है हो जाती है शराब में। तो फिर शराब पीकर जो गाड़ियां चलाते हैं उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये एक्सीडेंट्स अगर आप अखबार, मैंने तो देख रहा हूँ कि आप लोग काफी अखबार वहाँ रखे हुए हैं जिसका मतलब आप लोग अखबार पढ़ते हैं, आप मुझे कोई एक मिसाल दे सकते हैं शराब पीकर एक्सीडेंट और उसमें डेथ की? सलमान खान, बराबर। तो मौलाना लोगों को बराबर खुद ही मालूम है, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। तो सलमान खान ने गाड़ी चला कर किया था, उसके बाद वो बाल ठाकरे का एक सेक्रेटरी है मार्वे, उसने शराब पीकर नशे में एक्सीडेंट किया था। एक पुराना जो हीरो था फिल्मी का राजकुमार, उसका लड़का है क्रूर राजकुमार, उसने जी जैसिका लाल, बहुत कॉमन है, हर रोज उस पर पढ़ रहे हैं, जैसिका लाल जो मर्डर हुआ वो भी शराब के नशे में हुआ। तो ऐसी अगर आप उस पर गौर करना शुरू करें तो मैं समझता हूँ कि हर हफ्ते में कम से कम एक जो है वाकया आप जरूर ऐसा निकाल सकते हैं जिसमें शराब के नशे में एक्सीडेंट हुआ हो, या आदमी ने अपने आप को जला दिया हो, या अपने बीवी बच्चों को जला दिया हो, या खुदकशी कर दिया हो, किस तरह। तो ये सब वाकत हो जाए इनके इनके साथ साथ उसका फिजिकल डैमेज भी होता रहता है, जैसे उसका उसको एसिडिटी होने लगती है, उसको खाना हजम नहीं होने लगता है, तो उसके आंतों पे असर होने लगता है, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन है। बहुत से लोगों में गलतफहमी ये है कि आप जो है खूब शराब पियो और खूब खाना खाओ कोई नुकसान नहीं होगा,
लेकिन ये बहुत बड़ी गलत है। जो फल शराब पीता है उसकी आंतों पर सबसे ज्यादा असर होता है, उसकी वजह से जाहिर है कि हम जो भी खाते हैं उसका जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स का, हमारी जो ताजी है, इट्स टू इंटेस्टाइन्स। तो शराब का इफेक्ट जो है वो इंटेस्टाइन्स पर होता है उसकी लाइक, सो दिस आर द इफेक्ट। फिर उसके बाद और किस चीज पर असर होता है शराब का सबसे ज्यादा आप लोग के कॉमन जी? लीवर, बराबर। लीवर पर जो है शराब का सबसे ज्यादा असर होता है। यही वजह है कि कुछ लोग जो शराब पीते रहते हैं उनके लीवर पर असर होने की वजह से पहले फैटी लीवर होता है, मतलब लीवर में जो है फैट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद वो अल्कोहल, उसके बाद जो है जो लीवर है उसमें फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है, जिसको सिरोसिस ऑफ लीवर कहा जाता है, और उसके बाद हिपैटिक फेल्यूर हो जाता है, लीवर काम करना बंद होता है, उससे डेथ होता है। तो इसी वजह से पीला जो है वो कॉमन होता है शराबियों में। फिर उसकी वजह से जो है उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू होता है, उसकी वजह से ये जो ईसोफेगस है हमारी मुंह खाने की नली, उसके आसपास की जो आर्टरीज हैं उन पर असर होता है, जिसकी वजह से उनको जब वो खैर होती है तो उसमें खून आने लगता है। फिर उसके बाद उसमें जो फ्लूइड है वो पेट में ऐसा ऐसा निकलना शुरू होता है, जिसकी वजह से उनके पेट बड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम उसके वजह से होता है। दूसरा ये कि बहुत से माता पर जो एडवर्टीजमेंट्स है शराब के आप देखते होंगे, उनमें नौजवानों को राहत करने की कोशिश की जाती है कि बड़ा मजा आएगा जब मिल बैठे हैं आप मैं और पैक पैक। ये है कि कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे बताए जाते हैं जिसमें ये बताते हैं कि जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो कैनन 1000 जो लेता है उसका एक एरो सही करेक्ट जाता है निशाने पर, जो कैनन 5000 लेता है उसके 5 एरो सही निशाने पर जाते हैं, मतलब उसकी उम्र बढ़ रही है ऐसा बताने की कोशिश की जाती है। हालांकि हकीकत ये है कि इससे उम्र बढ़ने के बजाय कम होती है। तो या बहरहाल मुख्तलिफ तरीकों से नौजवानों को लुभाने की कोशिश की जाती है शराब के जरिए, ये बताने की कोशिश की जाती है कि आप शराब पीकर जो है दिन से मुखालिफ को अपनी तरफ प्रारब्ध कर सकते हैं और उसको जो है ज़्यादा तस्कीन दे सकते हैं, सेटिस्फाइड। लेकिन यह है कि शराब पीने से आपकी जो ख्वाहिश है वो बढ़ती है, जैसे मैंने कहा कि आपको माउफ हो जाती है। आपको माउफ हो जाने के बाद क्या सही है क्या गलत है, अल्लाह ने क्या हुक्म किया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ख़त्म हो जाता है। उस वजह से दूसरे इनिबिशन खत्म हो जाते हैं, सेक्सुअल इनिबिशन भी खत्म होता है, इसी वजह से जो है एड्स भी फैल रहा है। तो जो शराब पीकर लोग ये सब तो ये सब इफेक्ट होते हैं, और जो शराबी है उनका जो इलाज, तो ये सब जो शराब के नुकसान, शराबी का जो इलाज है वो ये है कि अगर शराबी खुद से अगर छोड़ना चाहता है तो उसको डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर उसका मायना करेंगे, और डिपेंड्स करता है कि भाई क्या उसको कोई बीमारी है शराब के अलावा, जैसे पीला है या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, तो उसको उस एतबार से डॉक्टर ट्रीट करेगा। अगर वो नहीं है तो उसको जो है उस डिपेंड कि भाई कोई आदमी है जो सिर्फ शाम में शराब पीता है तो उसको उस एतबार से उसको कुछ दवाएं देगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो दिन भर पीते रहते हैं उनको उस एतबार से दवाएं देगा। अगर डॉक्टर को लगता है कि इस आदमी को एडमिट करने की जरूरत है तो डॉक्टर उसको एडमिट करेगा, और उस एतबार से उसको 8 दिन 5 दिन एडमिशन के बाद उसको दवाएं वगैरह देगा, उसके बाद घर जाते वक्त भी जो है उसको दवाएं देगा, और उसके साथ साथ उसको जो है कुछ कोई ऐसी दवा दी जाती है जिसके ऊपर वो शराब बिल्कुल नहीं पी सकता है। अगर वो शराब पिया तो उसको उल्टियाँ होने लगती है, जिसको डायसरग्राम या एंटाइडिक कहा जाता है। तो इस किस्म की कुछ दवाएं दी जाती है। अगर पेशेंट खुद आने के लिए तैयार नहीं है तब भी उनके रिलेटिव के थ्रू जो है इसको दवाएं दी जाती है। वो रिलेटिव्स को बुलाया जाता है, उनसे एक फॉर्म भर के लिया जाता है, उनको समझाया जाता है कि भाई हम ये दवा शुरू कर रहे हैं, ये दवा के ऊपर अगर पेशेंट शराब पिएगा तो उसको उल्टियाँ होंगे, और उल्टी हुई तो आपके जो भी फैमिली डॉक्टर है आप उनके पास ले जाएंगे, और वो डॉक्टर आपको जो है उसके बारे में उसमें उसका इलाज करेंगे जिससे उसकी उल्टियाँ रुकेंगे। हम जो फॉर्म भरते हैं उस पर सब लिखा हुआ होता है कि भाई पेशेंट ये गोली पर शराब पिएगा तो उसको क्या नुकसान होगा, उसको क्या दवाएँ देना है। तो डॉक्टर वो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको बताते हैं, डॉक्टर बोलते हैं भाई ठीक है शुरू करो, तो शुरू की जाती है, उसको दवाएं दी जाती है।
और वो जब उल्टी होती है तो डॉक्टर के पास दिया जाता है, डॉक्टर उसका इलाज करता है। उसके बाद फिर वो फैमिली मेंबर्स वो डॉक्टर्स को बताता है पेशेंट को कि भाई ये शराब तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक हो रही है और उस वजह से आपको ये सब तकलीफ हो रही है, अगर आप शराब और सेवन करेंगे तो आपके लिए सीरियस हो सकता है। थोड़ा थोड़ा झूठ बोल रहा है लेकिन अगर पेशेंट के राय के लिए झूठ बोल रहा है तो मैं समझता हूँ उसमें और नहीं। तो पेशेंट के दिल में ऐसे समय खौफ बैठ जाता है कि भाई मैं शराब नहीं पी सकता, लेकिन जब वो शराब नहीं पीता तो उसको तकलीफ होती है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया विड्रॉल, तो नींद नहीं आती है, तकलीफ होती है। तो हम उसमें पूरा चार्ट बना कर देते हैं कि उसको कौन सी दवाएं दी जाए जिससे उसको नींद भी अच्छी आएगी, उसकी कमजोरी भी दूर होगी और सब तकलीफ दूर होगी। उस एतबार से फैमिली डॉक्टर इलाज करता है तो ठीक ठाक हो जाता है। तो इस तरीके से हम इलाज करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो मोटिवेशन है पेशेंट को शराब से दूर रखने के लिए, उसमें जो सोशल वर्कर्स हैं और जो उर्मा है वो लोग भी जो है इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। आप लोग जो है